भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। घटना को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी रोष। आजाद समाज पार्टी ने ट्वीट करके कहा, बहुजन मिशन मूवमेंट को रोकने की कायराना हरकत। दोस्तों आदाब, नमस्कार, जय भीम, जय भीम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। मैं आपका दोस्त राशिद हुसैन। दर्शकों को हम बता दें कि ये हमला हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बे देवबंद में। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद देवबंद से शाम करीब 5 बजे आज़ाद स्टेट हाईवे 59 से अपनी फॉर्चूनर कार में सवार होकर देवबंद से वापस सहारनपुर लौट रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उनकी कार यूनियन चौराहे के करीब पहुंची तो पीछे से आई स्विफ्ट डिजायर कार हरियाणा नंबर HR70D0278 की बताई जा रही है, जिसमें सवार बदमाशों ने कार पर गोलियों बरसाना शुरू कर दी। बताया जाता है कि बदमाशों द्वारा 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली शीशा तोड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की कमर पर जा लगी, जिससे वो घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले की सूचना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। चंद्रशेखर के साथ मौजूद उनके साथी उन्हें लेकर तुरंत देवबंद CHC पहुंचे। वहीं देवबंद में चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में SP जिहाद समेत अन्य अधिकारी CHC पहुंच गए। भारी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी CHC पहुंच गए। हमले से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हमलावरी की गिरफ्तारी की मांग की है। आज़ाद समाज पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भाई पर जानलेवा हमला बहुजन मिशन मूवमेंट को रोकने की कायराना हरकत है। आरोपी की तेजी से गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा की मांग करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गोली लगने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने हॉस्पिटल से ही मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ, शांति बनाए रखें, मानिए मेरी बात को। चंद्रशेखर आज़ाद ने ईद उल अज़हा का जिक्र करते हुए कहा कि कल एक त्यौहार भी है, सब लोगों में उत्साह भी है त्यौहार को लेकर। आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी बात को मानिए, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुदरत का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।